हेलो दोस्तों, मैं हूं तंजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जानिए सब कुछ ए टू जेड। दोस्तों, आजकल एक नई वेबसाइट आई हुई है जो कि काफ़ी यंग लोगों में काफ़ी फेमस हो रही है। और सबसे फेमस वाली बात इसलिए इसकी ये है कि ये जो है ऑनलाइन आप साइन अप करते ही आपको 20 रुपये देता है, पेटीएम में ट्रांसफ़र कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये जैसे ही आप साइन अप करते हैं ये 20 रुपये आपके पेटीएम वॉलेट में दे देता है। और एक चीज़ और है कि ये आप लोग को कोई भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी ओटीपी नहीं आता वेरीफिकेशन के लिए, सिर्फ आप लोगों को जीमेल के थ्रू वेरीफिकेशन होता है और आप लोगों को 20 रुपये मिल जाते हैं। तो ये चीज़ देखने में बहुत आसान लगती है और किस तरीके से प्रोसेस होता है वो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन या वेबसाइट के बारे में जो लोग जानते हैं या ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं या जो लोग इसमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को ये बताएगी कि क्या इसकी रियलिटी है, किस तरीके से हम इसमें कैश विड्रॉ कर सकते हैं या हम लोग मनी को विड्रॉ करना है नहीं करना है, क्या क्या प्रोसेस होने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों का जो है, क्योंकि टाइम और पैसे दोनों कीमती होते हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोग के बहुत ही अहम और बेहद ज़रूरी हो जाती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है। ये वेबसाइट है कोडलिस्ट24। तो ये इसके बारे में हम पूरी की पूरी रिव्यू और पूरा पोस्टमार्टम आज हम करेंगे कि इसकी क्या सच्चाई है, क्या जानकारी है, और तब आप लोगों को मैं पूरा बताऊंगा। तो पूरे के पूरे पॉइंट्स मैं रखूँगा आप लोगों को, ध्यान से आप लोगों को बने रहना इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस वीडियो जो वेबसाइट है इसके बारे में हम अपने कोडलिस्ट24.com जो है इसको हम अपने स्कैम एडवाइज़र वाले एक वेबसाइट से यहाँ पर चेक करेंगे जो ये बताता है कि ये स्कैम है क्या है। तो हमने जब यहाँ पे स्कैम एडवाइज़र वाले वेबसाइट पे चेक किया तो हमने ये पाया कि इसकी कोडलिस्ट24.com के जो रिव्यूज़ हैं और इसकी जो रेटिंग है ये बहुत कम है। आप यहाँ देख सकते हैं, द रेटिंग ऑफ दिस साइट इज़ लो, कॉशन नीडेड, मतलब ये इसकी जो है रेटिंग बहुत कम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई रिस्क है, ये काफ़ी रिस्क इसका बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ देख सकते हैं रेड हो चुका है, ठीक है। अब ग्रीन होता है तो ये सेफ होता है, लेकिन ये रेड की तरफ गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। रिस्की क्यों है और डिटेल जान लेते हैं हम यहाँ पे। तो नीचे चाहिए आप देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है लो क्यों है, इतना इसमें जो है स्कोर इसका लो क्यों है। तो इसमें देखिए, इसके पॉजिटिव हाईलाइट्स तो इसके 0 दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव हाईलाइट्स की बहुत सारी हैं। नेगेटिव हाईलाइट्स इसकी ये है कि इसकी जो वेबसाइट का जो ओनर है, जो असली मालिक है, वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप फ्लिपकार्ट या कोई भी ऐसी बड़ी शॉपिंग या कोई भी वेबसाइट की आप नाम लीजिए तो उसका ओनर आप सबको पता रहता है और वो अपना छुपाता भी नहीं है। तो एक ये चीज़ यहाँ पे है कि ये सस्पिशन पैदा करती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये रजिस्टर्ड रिसेंटली है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो नए एप्लीकेशंस होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ होता है। या तो कुछ वेबसाइट जो होती हैं रियल होती हैं और वो जेन्युइन होती हैं और वो जब जैसे ही स्टार्ट होती हैं वो लोगों को पैसा रियल में देती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर ऑलमोस्ट 70-80% ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कि यंग होती हैं और वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए शुरुआत में तो पैसे आप लोगों को देती हैं, लेकिन बाद में आप लोगों को रिचार्ज करना पड़ता है या कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है, उस चीज़ों में वो इन्वॉल्व होती हैं। तो ये चीज़ है, ये सेकंड पॉइंट। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए दे रहा है कि एलेक्सा रैंक है, जो अमेज़न का एलेक्सा है वो ये बता रहा है कि ये साइट जो है भी यंग है, काफ़ी जल्दी ये साइट बनी हुई है। तो ये भी एक सस्पिशन पैदा करती है, संदेह पैदा करती है। तीसरी चीज़ ये है कि दोस्तों कि ये एक जो है वेबसाइट जहाँ से सर्व या ऑपरेट की जा रही है वो एक हाई रिस्क कंपनी है, कंट्री है, तो ये भी एक यहाँ पर शक पैदा करता है। दूसरा चीज़ यहाँ दोस्तों ये है कि SSL सर्टिफिकेट, एक सिक्योर सर्टिफिकेट जो होता है ऑनलाइन वेबसाइट के लिए जो ज़रूरी होता है, वो यहाँ पे नहीं पाई गई चीज़ है। यहाँ पे स्कैम एडवाइज़र ने ये सर्च करके देखा, इसको कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिला जो सिक्योर हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, हाई रिस्क फाइनेंशियल सर्विसेज भी यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है और हाई रिस्क रिटर्न भी यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है। तो दोस्तों, ये तो रही स्कैम एडवाइज़र वाली वेबसाइट की बात कि ये जो है ये सब निगेटिव हाईलाइट्स बता रहा है। लेकिन अब हम अपने तरफ से यहाँ पे देख लेते हैं कि ये वेबसाइट क्या वाकई में ये सब चीज़ें ऐसा करती है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तो ये शुरू में पैसा दे रही है, कितना 20 रुपये दे रही है, लेकिन ये 20 रुपये आप लोगों को दे रही है इस वक्त, बाद में ये कब चेंज कर दे ये नहीं पता। उसके अलावा आप लोगों को ये डेटा किधर का किधर दे रही है, किधर कर रही है, आप लोगों को कॉन्फिडेंशियल देता है, ये भी नहीं पता।
तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए इस तरीके का अभी यहाँ पे पेज में दिखा रहा है कि यहाँ पे ऊपर कुछ ट्रेडिंग टाइप की चीज़ लग रही है, यहाँ पे कोई भी देख सकता है, लगेगा ये ट्रेडिंग टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक होम पेज दिया है, मार्केट गुरु कंटेस्ट दिया हुआ, हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। अबाउट अस के बारे में पढ़ते हैं कि अबाउट अस में इसका क्या है, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, और इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आप लोग को ज्वाइनिंग बोनस 20 रुपये यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया यहाँ पे मार्केट गुरु कॉन्टेस्ट, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक ये कॉन्टेस्ट बताए हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि गेस 4 इजी क्वेश्चंस एंड विन 4 पेटीएम डेली, 4 रुपीज़ पेटीएम डेली, ठीक है। 4 क्वेश्चन आप जवाब दीजिए और आप लोगों को 4 रुपये डेली मिलेंगे। अब दूसरे बात ये बोल रहे हैं कि टॉप 100 यूज़र्स को ही मिलेंगे 1 रुपये एक क्वेश्चन के लिए, मतलब कि अगर हज़ारों यूज़र्स हैं, लाखों यूज़र्स इसके बन गए, तो आप उसमें से समझिए कि सिर्फ 100 लोगों को मिलेगा 1 रुपये एक क्वेश्चन के, मतलब 4 रुपये के लिए आदमी इतना क्यों माथा पच्ची करेगा। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है ये कि कॉन्टेस्ट टाइमिंग 9:30 बजे से 3 बजे का मंडे टू फ्राइडे दिया है, ये इसलिए बता दिया है कि लगे आप लोगों की एक्सचेंज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये संदेह पैदा करता है, ये शक ज़्यादा इसमें पैदा कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों देखिए लीडर बोर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है कितने लोगों ने कितना पोर्टफोलियो रुपीज़ में इतना मिला है। तो पहली चीज़ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो नाम कोई भी यहाँ पे देख सकता है, लेकिन एक नाम का जो बड़ी कंपनी होती है वो फॉर्मेट बताती है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरा फुल नेम देना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम दिया हुआ है, तो ये भी एक ऐसा लगता है कि फालतू की चीज़ बना दी गई है जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे देखिए अबाउट अस तो हम लोगों ने देख लिया, प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे देखिए, तो तमाम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे जो है देखिए ये प्लेटफॉर्म ये सब पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं वापस जाके कि कॉन्टैक्ट अस में क्या दिया है, तो देखिए कॉन्टैक्ट अस में हमें कोई यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पे फ़ोटो कहीं से यहाँ पे चिपका दिया इन्होंने कि टेलीफोन नंबर है, लेकिन टेलीफोन नंबर कहीं हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखिए टेलीफोन सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन है कि यहाँ पे आप लोग इंक्वायरी क्लिक करिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए, और यहाँ पे अपना अपनी ईमेल आईडी डालिए यहाँ पे, और मैसेज यहाँ पे डाल के अपना जो है अपलोड इमेज करके डाल दीजिए, बस सबमिट कर दीजिए, ये एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। तो ये भी एक दोस्तों फर्जीवाड़ा मुझे लग रहा है कि, और ये चीज़ें ये जो है साबित करती हैं कि इसमें कोई चीज़ जो है रियल मुझे नहीं लग रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो ऑलरेडी लोग लग गए हैं, साइन अप कर दिए हैं, तो दोस्तों इसको आप आगे ना बढ़ाइए, ना तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ना ही इसको और बढ़ावा दीजिए, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स जो दोस्तों जो काफ़ी आइडेंटिटी इसकी ओनर की नहीं पता है, जो कि काफ़ी हाई रिस्क में चल रही है, तो ऐसी वेबसाइट से दोस्तों अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा, अपना पेटीएम नंबर जो आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक है, उसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बाद में जब ऐसे में फंस जाते हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी आरएक्सी को लेकर, आप ऊपर आई कार्ड में देख सकते हैं, और भी कुछ जो है मैंने बनाई थी, उसमें मैंने ये देखा कि काफ़ी लोग उसमें फंस चुके हैं, और अब कहते हैं कि रिफ़ंड कैसे होगा, हालांकि मैंने रिफ़ंड की भी प्रोसेस पूरी बताई हुई है, अगर आपको इसमें भी रिफ़ंड वाला कुछ चाहिए रहेगा तो मैं आगे बता सकता हूँ, तो वो चीज़ें हैं इसमें, तो इसलिए आप लोग इससे सावधान रहिए, और जो भी कमेंट्स हैं आप लोग मुझे बताइएगा, और अगर दोस्तों इससे रिलेटेड जो और भी पहले की मेरी वीडियोज़ हैं जो आप लोग नहीं देखे हो, उसमें ज़रूर जाके देख लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में ओपन करके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो लोग नए आए हो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो वो दोस्तों उस पर लाल वाला सब्सक्राइब बटन उस पर चढ़ जाओ, दबा दो, और नोटिफिकेशन बेल भी लगे हाथ दबा दो, ताकि आने वाली वीडियोस तुरंत आपके स्क्रीन पे आ जाए, चाहे मोबाइल ऐप यूज़ करते हो, चाहे लैपटॉप जो भी, उस पर आप लोग को तुरंत आ जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।